स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने को मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू, बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हम लोग की बकचोदियां बिना किसी रुकावट के। तो भाई आज हम लोग क्या लाए हैं अपने दोस्तों के लिए, आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले, फिर से स्टार्ट, री स्टार्ट। जैसे कि बोला जाता है ना कि हर चीज एक टाइम पे खत्म होती है तो फिर शुरू भी होती है, हाँ। तो वैसे ही एक था राजा द बिगनिंग, जियान ओहो ने ड्रॉप किया था। हम लोग कल तो सुन नहीं पाए थे, बिजी थे, आज सीधा परोसेंगे अपने ऑडियंस के लिए इस गाने के साथ अपने सोच और विचार। तो बादशाह पाजी का गाना आया है एक था राजा द बिगनिंग, ये साला वहां साउथ से सीख के आया है क्या? हाँ वैसे ही लग रहा है, हाँ वैसे ही लग रहा है। मगर उसको कहना चाहते एक था राजा द वन किंग, हाँ ये भी कर साउथ सकते, से भी नहीं सीख पाया सही से, कॉन्सेप्ट मतलब वही है लेकिन कॉन्सेप्ट वही से लिखा है। वही है। हाँ, हाँ पहले हिंदी में बोल दो क्या है, फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दो। चलो फिर देखते हैं क्या है इसमें, एक था राजा या फिर एक था जियान। गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है क्या? अक्सर तूफान से पहले की शांति ये बता देती है कि तूफान आने वाला है, लेकिन कई तूफान बताकर नहीं आते। आवाज शाहरुख खान की नहीं लग रही? वही तो, शाहरुख की आवाज लगी ना, जियान के साथ काम कर रहा है इंडियन हिप हॉप में। कोई इसका ऑफिशियल गाना है किसी मूवी का गाना है ये? अच्छा अभी तो भाई इसकी एल्बम आ रही है, ऐसे ही पता चला है। Все в порядке? Что происходит? Нет, он здесь. बोला ही जेर, ही जेर में अभी किसका है, शाहरुख खान आएगा या बादशाह आएगा? अगर ये गाना है तो बादशाह आना चाहिए, मूवी का गाना है तो शाहरुख खान आ जाएगा। एक बादशाह ही आ रहा है, लगता है डाकू गाना इसी का एल्बम का गाना है क्या? हाँ वो बैड बैड बॉय ये ताकत आसमान में नहीं जमीन पर होती है। आज असली से बादशाह का रूप दिखा, जैसे नहीं बोला जाता है कि एक में दो दिखता है उसको, तो आज वो दो दिखाई दिए, दोनों एक साथ दिखे ना अलग। अब एक होके आएंगे, अब एक होके निकलेंगे। और ये ताकत उसी को मिलती है जो झुककर उसे उठाना जानता है। एक बादशाह एक ही निकला, सही बात है। ये कौन है? ये तो कुत्ता है, बादशाह ने कुत्ता ही पाला है। हाँ टोपी नहीं छोड़ रहा है अपनी। करता करती थे क्या भाई? बहुत सारा एक इतनी सारी चीज वैगन लेके चल रहा है। तुम्हारे पास मैं जानता हूँ कि तुम कार का बहुत ज्यादा वो हो, तुम्हें कार बहुत पसंद है, मगर अगर तुम्हें सामने कार हेलीकॉप्टर दोनों चीज दिखेगी तो तुम किससे ट्रैवल करना चाहोगे? सिचुएशन है, इस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। जी वैगन इतनी सारी चल रही हैं, शीशा नीचे किया, हेलीकॉप्टर भी साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हेलीपैड नहीं होगा ना, क्या पता जहाँ पे इसको जाना होगा। और अभी अभी तो प्लेन से आया है, तो अभी ये हेलीकॉप्टर यहाँ अगर नहीं उतरे तो ये मान हेलीकॉप्टर सकते हैं कि चलो सही किया उसने, बट हेलीकॉप्टर साथ में आए हैं। हेलीकॉप्टर इसको सिक्योरिटी के लिए आएगा ना, ऊपर से, ऊपर से कोई ना हक दे इसके ऊपर। तो खुद भी ऊपर ही उड़ लेता ना, ऊपर से हकना था ना, हेलीकॉप्टर संभाल भी नहीं पाएगा क्या? एक ही पंखा होता है। एक राजा आईने की तरह होता है, अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा। ले दूसरी उठा ली,
उसको नहीं दी गई थी क्या? नहीं। अरे इतनी बेइज्जती। कुछ लोगों के लिए ताज प्यारा है, कुछ लोगों के लिए तख्त। मुदेगा ए यार, ये एक तो पागल पागल लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो राजा हो। तो इसने इस दारू का प्रमोशन किया है, बेइज्जती किया है, मुंह साफ करने के लिए यूज किया उसको। वैसे तो बेइज्जती है ये, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा बेवकूफ कौन है जो थोड़ी बाहर से आके यहाँ मुतने आया है। अलग टाइप की बेइज्जती करना चाहता था इन लोग की क्या? इसको लगा कि ये सैवेज होगा क्या? बहुत कांड फाड़ चीज कर दी इसने। ये आजकल लोग कहाँ ले जा रहे हैं, एक तो एनिमल जैसी मूवी झांटू से आ गई, तो उसी से सब प्रमोट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। मूत वोट जलाना चाहता था ये दिखा रहा था, आग मूतता हूँ, आग मूतता। हेलीकॉप्टर उतरे नहीं है। ये ताज कल किसी और के पास होगा, लेकिन बात सिर्फ हमारी होगी। सबके साथ गाने आएंगे। अरे मत पर भाई, डाकू उसी का ही है। हाँ, और इसने अभी वो किया बर्फ का गोला फेंका और ब्लास्ट किया, वैसा करके दिखाया। मतलब ये हर चीज को ब्लास्ट कर देता है, जैसे करियर तबाह करता है लोगों का। ये किसका कर रहा है? जैसे हनी सिंह को यूज किया इसने अपना करियर बनाने के लिए, उसका खराब करवा दिया। यूज किया, वो तो उस बीमार हो गया ना, खराब क्या करा दिया इसके? यही दारू फेंक फेंक के, खुद पीता नहीं है, मूत के दारू डाल देता है, उसको दारू पिला पिला के रिहैब में एडमिट करवा दिया। षड्यंत्र करता है क्या ये? षड्यंत्र, इसका पता चला है। वो स्पेशल थैंक टू ओरिजिनल वास्ता, ओरिजिनल वास्ता। ये लोकल वाला है। अरे सस्ता, ये मीशो वाला बात है क्या जिसको भी हम लोग देखे? चलो भाई, ये तो इंट्रोडक्शन था इसका। हाँ। जो आ रहा है एल्बम, तो क्या लगता है कैसा इसने इंट्रोड्यूस किया है अपने एल्बम को? अगर मैं ये वीडियो से तो मैं ज्यादा चीजें बोल नहीं पाऊंगा, बाकी जो उसके एक्शन दिखाए, अगर इसी एक्शन को ये कंटिन्यू करेगा तो फिर तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत सारी गालियां दे पाएंगे इसको। म्यूजिक के अलावा मैं वीडियो की बात करूंगा, डाकू के हिसाब से तो मुझे लगा है कि म्यूजिक अच्छा ही होगा, और जितने इसने आर्टिस्ट का नाम दिखाया तो उसमें एक ही मेरे को लगा एमसी शनि का हक देगा, बाकी सारे आर्टिस्ट बढ़िया बढ़िया है। बाकी अभी डाकू आया तो वो तो अच्छा ही गाना, गाना अच्छा लगा। तो इंट्रो के हिसाब से देखें, बाकी इंट्रो बोला जाए तो काफी भौकाल के हिसाब से इसने इंट्रो बनाया है, और एक देखा था मूवी वाला सीन एकदम हॉलीवुड स्टाइल, मूवी इन हॉलीवुड, उसको उस हिसाब से बनाया है। मतलब देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत भौकालिस्ट स्टाइल से बना के, बुरा नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बकेंगे, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मूतने वाला काम खराब किया। हाँ, वो फर्जी लगा मुझे कि अपने लौड़े पे वो नहीं होता है ना कंट्रोल, कंट्रोल वो आदमी खुद लौड़ा बन जाता है। ये तो बात बात तो मेरी ठीक है ना, तुम्हारी थी, लेकिन मैं उधर देख रहा था क्योंकि मैं उधर बताना चाहता था लोगों को। ज्ञान की बात है, लिख लेना वाला तो तुम लोग जब भी। वो एक एक्शन गलत था इसका, बाकी सब ठीक था। तो वेट करते हैं फिर, आने दो एल्बम, खेलेंगे इसको, खेला तो जाएगा, खेलना तो पड़ेगा, मजबूरी है। इसको अगर ये लग रहा होगा कि शाहरुख खान का आवाज यूज करने से कुछ हो पाएगा, तो शाहरुख खान भी खुद की पिक्चर नहीं हिट हो रही, मां तो दूसरे को क्या हिट कराएगा। अब डबिंग का काम करेगा क्या शाहरुख खान? लग तो ऐसा ही रहा है, ऐसे आटू झाटू लोगों के में आवाज देगा, हो गया। जस्ट वेट फॉर द एल्बम रिलीज। तो वो हो गए ना ये लोग, जैसे बादशाह का भी पता है कि पैसे दे के करियर बनाता है अपना, व्यूज खरीद के रिकॉर्ड बनाता है। तो शाहरुख खान भी तो ऐसे ही किया, डंकी और सलार के टाइम पे क्या किया, नॉर्थ साइड में सारे थिएटर्स में फर्जी पैसा फेंक के बुक कर लिया, भले ही लोग आए चाहे ना, सलार मूवी नहीं लगनी चाहिए। तो एक थिएटर वाले का वीडियो आया था कि ये शाहरुख खान बहुत परेशान कर रहा है, सलार मूवी लगाने नहीं दे रहा, बट हम लगाएंगे, बहुत पैसा फेंक रहा है, ये कर रहा है, धमकियां दे रहा है, सलार नहीं लगनी चाहिए। कॉम्पिटिशन में वही दोनों थी ना उस समय आस पास, तो वो चीज किया था। वो वहाँ चले जाओ ना, कोने में बैठ जाएगा तुम यार, इतना आगे पीछे तो होगा यार इंसान। तो बात कैसे करोगे बच्चे लोगों से? ऐसे ही होगी बात, क्या पता शाहरुख खान मेरा फेवरेट है इसलिए मैं ऐसे किया हूँ। दोगला तो भैया, गाना तो वीडियो तो मेरे को ठीक ही लगी, क्योंकि इसमें इसने एक भी सुरताल नहीं लगाया,
तो अगर ये सुरताल थोड़ा अब बोल भी शाहरुख खान रहा था, हाँ ये भी बोल नहीं भी बोल रहा शाहरुख था। खान रहा था, हाँ अपना खुद का कुछ इसने बोला नहीं, तो देखते हैं। अभी के लिए तो ये वीडियो तो ठीक लगी, और डाकू गाना के हिसाब से अभी तक डाइजेस्ट करने वाला है। और डाकू गाने का तो मेन जो क्रेडिट जाता है वो जाता है किसको, यादव, शार्वी यादव को। यादव जी को। वो हाँ नहीं गाती तो फिर ये गाना भी, ये गाना उसी तरीके से जैसे आवारा गाना नहीं है, उसमें लड़की का ही हुक अच्छा लगता है। मोटा तो अपना काम करके चला जाता है, हकने का काम है इसका, गानों में हक देता है, वीडियो जियान बनाता है तो मूड देता है। चलो चोद। तो भाई इंतजार करते हैं फिर अभी के लिए तो खेलने हम के लिए। लोग कुछ बताएंगे नहीं कि एल्बम अच्छी होने वाली है खराब, बट ये है कि काफी बड़ी एल्बम आ रही है, काफी महंगी एल्बम आ रही है लोग अच्छे अच्छे आ रहे हैं इसमें सिर्फ और एक है वो अच्छे। छपरियों का सरताज, एमसी स्टैन उसको छोड़ के बाकी तो सब लोग किल कर देंगे। तो चलो भाई 18 का वेट करते हैं, देखते हैं कितने गाने ड्रॉप होते हैं, फिर लगातार रगड़ा जाएगा जियान भाई को। तब तक के लिए सायोनारा।